आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके मेरे दिल में यूँ ही रहना है मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ई एस अकेडमी पे तो जैसा कि पता है आपको कि आज इंजीनियर्स डे हैं सो so हैप्पी इंजीनियर्स डे ऑन बिहाफ ऑफ होल ई एस अकेडमी टीम तो हम लोग स्टार्ट किए थे न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें लेक्चर नंबर वन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इज़ रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई ठीक है supply, उसके बाद में आज बहुत गैप हो गया थोड़ा दो वीक के बाद फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ कुछ तबीयत मेरा भी ठीक नहीं था और कुछ ज़रूरी काम से मैं फंस गया था इसके कारण जो आपके सामने एक कंटिन्यूस वे में तो आपका वीडियो नहीं आ रहा था हमारा लेकिन अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है अब आपके सामने रेगुलर वे में वीडियो अब डलते रहेगी ठीक है सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले ठीक है और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे जो भी कंटेंट अभी आ, आ चुके हैं और जो भी कंटेंट आपके जो भी न्यू सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं बहुत ही अच्छे वे में एक गुड कंटेंट और अच्छा कंटेंट देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ठीक है तो चलिए इससे प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने डिस्कस किया था रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई के बारे में ठीक है उसमें मैंने बताया था कि एसी टू डीसी कन्वर्जन बेसिकली कैसे होता है तो उसमें बेसिकली मैंने बताया था कि चार ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं और ये चारों ब्लॉक मिल के कंबाइंडली टू डी कन्वर्जन करते हैं ठीक है तो वेरी फर्स्ट ब्लॉक इज ट्रांसफॉर्मर उसके बाद नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो ब्लॉक होता है रेक्टिफायर उसके बाद आपका फिल्टर सर्किट और फाइनल स्टेज में दैट इज फोर्थ स्टेज में लगा हुआ रहता है जेनर डायोड रेगुलेटर ठीक है तो ये था हमारा बेसिक रेक्टिफाइड सर्किट जिसे हम लोग क्या बोले थे रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई और रेक्टिफाइड सर्किट ठीक है तो इलेक्ट्रिकल वाले जो फर्स्ट ब्लॉक है दैट इज ट्रांसफार्मर उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल मशीन में ठीक है तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफाइड से ठीक है तो देखिए पूरे रेक्टिफाइड को हम लोगों ने यहाँ पे चार पार्ट में डिवाइड कर दिया दैट इज चार लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ ठीक है जो पहला हमारा लेक्चर है दैट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर टू जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें बेसिक हम लोग रेक्टिफाइड के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे साथ में उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो आज हम लोग रेक्टिफायर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और साथ में उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो हमारा जो लेक्चर आएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर थ्री जो आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हाफ वेव रैक्टिफाइड उसका वर्किंग ऑपरेशन उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीज़ें इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सबसिक्वेंट लेक्चर होगा दैट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर फोर उसमें हम लोग सेंटर टाइप और मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफाइड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है उसके बाद जो आपका लास्ट लेक्चर होगा रेक्टिफाइड का दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर फाइव जो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिज रेक्टिफाइड के बारे में और फिर हम लोग समेराइज करेंगे कंपेरेटिव एनालिस करेंगे ये तीनों रेक्टिफाइड के बारे में ठीक है तो चलिए बिना देर किए हुए आज हाँ का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने हमारा वो वीडियो नहीं देखा प्रीवियस वीडियो दैट ये रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा साथ में आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से जा करके हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका एक आर एम एस वैल्यू एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो आपको ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी में आपको मिल जाएगा या आप नेटवर्क थ्योरी वाले लेक्चर में चले जाओगे हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है नेटवर्क थ्योरी का उसमें लेक्चर नंबर थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन में आपको आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बारे बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है तो वहाँ से जा कर के अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए ठीक है तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं अगर रेक्टिफायर की बात करूं तो रेक्टिफायर क्या करता है रेक्टिफायर कन्वर्ट अ बाई डायरेक्शनल सिग्नल इंटू यूनिट डायरेक्शनल सिग्नल तो देखिए दिस इज रेक्टिफाइड रेक्टिफायर का जो आपका इनपुट हम इसमें दिए हैं दैट इज अ स्टेप डाउन ए सी मेन सिग्नल ठीक है जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ था पहले स्टेज में वो क्या किया जो आपने 230 थर्टी वोल्ट फिफ्टी हाइड जो ए सी मेन सप्लाई दिया उसको स्टेप डाउन कर दिया स्टेप डाउन करने के बाद में जो आपका जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट था वही वही क्या है रेक्ट्रीफाइड का इनपुट है क्योंकि सारे जो आपके ब्लॉक होते हैं कास्केडिंग में कनेक्टेड होते हैं तो एक ब्लॉक का आउटपुट उसके नेक्स्ट सबसिक्वेंट ब्लॉक के लिए क्या होता है इनपुट होता है तो यहाँ पर आपका ये क्या है स्टेप डाउन एसी मेन सिग्नल क्या है ये आपका स्टेप डाउन एसी सिग्नल ठीक है और ये आपका क्या है एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल है देखिए इसका पॉजिटिव हाफ भी है और नेगेटिव हाफ भी है सो दिस इज अ बाई डायरेक्शनल सिग्नल ठीक है अब रेक्टिफायर क्या करेगा इस बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनि डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट कर, कर देगा सो दिस इज अ अरेक्शनल सिग्नल ये क्या है आपका सिग्नल ये क्या है आपका डायरेक्शनल सिग्नल और इस यूनि डायरेक्शनल सिग्नल को हम लोगों ने क्या बोला था दैट इज पल्सेटिंग डीसी इस यूनि डायरेक्शन सिग्नल को हम लोग क्या बोले थे पल्सेटिंग पल्सेटिंग डीसी सिग्नल और इस पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में क्या है एसी और प्लस डीसी कंपोनेंट दोनों है इसमें एसी प्लस डीसी कंपोनेंट दोनों है ठीक है तो बेसिकली अगर आपका क्वेश्चन आया कि रेक्टिफाइड क्या करता है तो रेक्टिफाइड इंडिविजुअली टेक्स अ बाई डायरेक्शनल ए सी सिग्नल एंड इट कन्वर्ट इट इनटू यूनिट डायरेक्शनल सिग्नल दैट इज इंटू पलसेटिंग डीसी सिग्नल ठीक है सो रेक्टिफाइड कन्वर्ट एसी सिग्नल टू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल ठीक है ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है ठीक है अब देखिए ये तो हो गया आपका रेक्टिफायर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में ठीक है अब अगर हम लोग बात करें कि रेक्टिफायर का जो परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जो रेक्टिफायर को कैरेक्टराइज करते हैं ठीक है तो बेसिकली ये सेवन पैरामीटर होते हैं सेवन परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं जो किसी भी रेक्टिफाइड सर्किट को क्या करता है सिग्निफाई करता है ठीक है तो अब एक चीज बताइए जो भी परफॉर्मेंस पैरामीटर आपका यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ से कैलकुलेट होगा उसके आउटपुट सिग्नल से ठीक है तो देखिए इसका अगर आउटपुट सिग्नल देखें तो ये आउटपुट सिग्नल कैसा है एक पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है ठीक है सो तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका इक्वेशन आप बता सकते हो यहाँ पर देखिए इस बाई डायरेक्शनल सिग्नल में क्या है आपका दिस इज भी एम साइन ओमेगा टी तो भी एम साइन ओमेगा टी का आपका ग्राफ है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल है लेकिन जैसे ही ये रेक्टिफाइड के थ्रू पास करेगा तो रेक्टिफाइड जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोई भी इसका निगेटिव वैल्यू नहीं है ठीक है वो सारा क्या है भी नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ मॉड ऑफ मॉड ऑफ भी एम साइन ओमेगा टी ये किसका ग्राफ है मॉड ऑफ टी क्योंकि मॉड वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता ठीक है तो ये सारे सॉरी यहां पर क्या है सारे पॉजिटिव साइकिल है ठीक है तो अब एक चीज बताइए यहां पर हम लोग अगर बात करें सो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर क्या है एक पल्सेटिंग डीसी सिग्नल है और यूनि डायरेक्शनल सिग्नल है ठीक है तो चलिए अब हम लोग इस रेक्टिफायर डिवाइस का हम लोग परफॉर्मेंस पैरामीटर देखते हैं कि कौन कौन सा होता है ठीक है तो जो पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर है किसी भी रेक्टीफाइड का दैट इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्म फैक्टर उसके बाद सेकेंड जो आपका परफॉर्मेंस पैरामीटर है रिपल फैक्टर उसके बाद आपका क्रेस्ट फैक्टर क्रेस्ट फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड पीक फैक्टर ये सारे नोट करते चले जाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है क्रेस्ट फैक्टर और पीक फैक्टर उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं टी यू एफ से लिखते हैं ठीक है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर उसके बाद आपका होता है वोल्टेज रेगुलेशन उसके बाद अब में आपका होता है पी आई बी पिक इन्वर्स वोल्टेज और उसके बाद में आपका इफिशियंसी ठीक है इफ़िशियंसी तो ये सेवन पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी रेक्टिफाइड डिवाइस को क्या करता है सिग्निफाई करता है तो आइए इसे हम लोग देखते हैं वन बाय वन ये फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर क्रेश फैक्टर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन पिक इनवर्स वोल्टेज एंड एफिशियंसी क्या रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं वन बाई वन सबसे पहला दैट इज फॉर्म फैक्टर ठीक है सबसे पहला जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है फॉर्म फैक्टर ठीक है अब एक चीज़ बताइए एक सिंपल सा मैं इक्वेशन ले लेता हूं और उस इक्वेशन से ये सारे पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है इससे आपको समझने में बहुत ही इजी हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पर आपको पता है कि रेक्टिफायर का जो आपका आउटपुट है उसमें ए और प्लस डी दोनों हैं उसमें क्या है ए सी प्लस डी दोनों हैं तो हम लोग एक ऐसा सिग्नल ले, ले लेते हैं जिसमें कि ए और डी दोनों परजेंट हो ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि इसका जो आपका आउटपुट है भिनो टी ये समझने के लिए मैं ऐसा ले रहा हूँ ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं दिस इज थ्री प्लस फोर साइन ओमेगा टी थ्री प्लस फोर साइन ओमेगा टी ये सिग्नल हम लोगों ने लिया ठीक है अब इसमें देखिए ये एक कंपोजिट सिग्नल है ये क्या है एक कंपोजिट सिग्नल है कभी भी किसी सिग्नल में दो या दो से ज़्यादा सिग्नल प्रजेंट होते हैं अलग अलग सिग्नल तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट सिग्नल ठीक है तो ये एक कैसा है आपका एक कंपोजिट सिग्नल है इस कंपोजिट सिग्नल में ये डी भी है और साथ में ये ए भी है ठीक है ए भी है और डी भी है ठीक है अब देखिए इसी सिग्नल से हम लोग सारा परफॉर्मेंस पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे ठीक है रेक्टिफाइड का अब देखिए सबसे पहला जो हमारा है दैट इज फॉर्न फैक्टर ठीक है सो नोट कीजिए फॉर्म फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है अगर मैं फॉर्न फैक्टर के बारे में बारे में बात करूं सो फॉर्म फैक्टर रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ आर्मेज वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल ये क्या है सिग्नल का आर्मेज वैल्यू और सिग्नल के एवरेज वैल्यू का रेशियो है ठीक है सो so, पहला जो आपका फॉर्न फैक्टर इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ आर्मिज वैल्यू ऑफ सिग्नल आर्मिज वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू सिग्नल एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल ठीक है और एक चीज और बताइए एवरेज वैल्यू को मैंने अलग अलग नए ने, नेम इसका बताया था एवरेज वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड मीन वैल्यू और डीसी वैल्यू मीन वैल्यू और डीसी वैल्यू ठीक है so, सो

वो एसी कंपोनेंट को मिनिमाइज करना चाहते हैं और वो अनवॉन्टेड एसी कंपोनेंट हमारे लिए क्या था दैट इज रिपल जिसको हम लोग क्या बोले थे रिपल बोले थे सो दिस इज अ रिपल यहां पर हम लोग ए सी कंपोनेंट को क्या बोलेंगे रिपल रिपल तो बेसिकली क्या द अन वॉन्टेड ए सी कंपोनेंट प्रजेंट एट द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर ठीक है अब देखिए फोन फैक्टर फोन फैक्टर का मतलब क्या हो गया दैट इज सिग्नल सिग्नल मेरा क्या था दैट इज आउटपुट में भिनो टी भिनो टी का क्या होगा आर्मेज वैल्यू और भी नौ टी का एवरेज वैल्यू ये दोनों का रेशियो होगा ठीक है अब देखिए इसी सिग्नल का आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से तो आप ये बताइए इस सिग्नल का इस सिग्नल का आर्मेस वैल्यू आप बता सकते हो क्या होगा आर्मेस वैल्यू ये एक कंपोजिट सिग्नल है और कंपोजिट सिग्नल का आर्म एस वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं दैट इज़ आर्मेस वैल्यू ऑफ सिग्नल वन का होल स्क्वायर प्लस आर एम एस वैल्यू ऑफ सिग्नल टू का होल स्क्वायर और इसका क्या क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो अब बताइए डीसी सिग्नल ठीक है डीसी सिग्नल का आर एस वैल्यू एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू सारा क्या होता है सेम ही होता है तो यहाँ पर आर एम एस वैल्यू अगर हम बात करें उस सिग्नल का कितना होगा बताइए दैट इज थ्री स्क्वायर और प्लस ए सी का आर एम एस वैल्यू क्या होता है प्योरली ए सी सिग्नल का भी एम बाई रूट टू दैट इज फोर बाई रूट टू का होल स्क्वायर तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए इसका आर एम एस वैल्यू सिग्नल का नाइन और प्लस ये हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन बाई टू एट तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेवेंटीन ठीक है अब बताइए इसी सिग्नल का इसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू बताओ एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा ठीक है तो अब बताइए डीसी का एवरेज वैल्यू क्या होगा डीसी का एवरेज वैल्यू क्या होगा डीसी वैल्यू के बराबर होगा तो इसका तो आपका क्या हो गया थ्री हाँ प्लस अब बताइए फोर्थ साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होगा एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल है तो इसलिए इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा जीरो होगा क्योंकि क्या है ये आपका प्योरली एसी सिग्नल है और मैंने बताया है कि प्योरली एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू क्या होता है जीरो होता है तो इसका क्या होगा आपका एवरेज वैल्यू जीरो होगा सो ये पूरे सिग्नल का एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू थ्री ठीक है किसी भी कंपोजिट सिग्नल का जब आपको एवरेज वैल्यू निकालना रहता है तो सिंपली क्या करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल सिग्नल को हम लोग ऐड कर देते हैं ठीक है सारे सिग्नल का एवरेज वैल्यू निकाल के आपस में ऐड कर देते हैं सो so इसका एवरेज वैल्यू आपका कितना आ गया दैट इज थ्री ठीक है अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस सिग्नल का फॉर्म फैक्टर क्या होगा आर एन वैल्यू ऑफ सिग्नल आर एन वैल्यू ऑफ सिग्नल कितना आ गया अंडर रूट ऑफ सेवनटीन एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल कितना है थ्री है सो अंडर रूट ऑफ सेवनटीन बाई थ्री इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ दिस सिग्नल ठीक है तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपका सिग्नल दिया हुआ रहेगा उसका पूछेगा कि आर एन वैल्यू क्या होगा एवरेज वैल्यू क्या होगा फॉर्म फैक्टर क्या होगा तो आप डायरेक्टली इस तरह से आप निकाल सकते हो ठीक है इट इज द रेशियो ऑफ आर एन वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल ठीक है चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है दैट इज रिपल फैक्टर ये नोट डाउन कर लीजिए ये नोट कर लीजिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दैट इज रिपल फैक्टर नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है रिपल फैक्टर सेकेंड पैरामीटर इज रिपल फैक्टर ठीक है तो रिपल फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली जो सिग्नल था उसमें पूरा आउट ऑफ टोटल सिग्नल कितना परसेंटेज ऑफ पार्ट एसी कंपोनेंट प्रजेंट है उसमें ठीक है कि आउट ऑफ टोटल जो सिग्नल है उसमें कितना परसेंट पार्ट एसी कंपोनेंट या रिपल प्रजेंट है सो so, अगर मैं बात करूं रिपल फैक्टर तो रिपल फैक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे सो इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ रिपल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ रिपल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपका जो रिपल फैक्टर होगा ये क्या है आउटपुट सिग्नल में जो आपका ए सी कंपोनेंट है उसका जो रिपल कंपोनेंट है उसका आरमेज वैल्यू अब ये क्या है दिस इज द रिपल कंपोनेंट फोर साइन ओमेगा टी तो इसका आरमेज वैल्यू क्या होगा आरमेस वैल्यू ऑफ रिपल कितना होगा दैट इज बी एम बाई रूट टू तो फोर बाई रूट टू आरमेज वैल्यू ऑफ रिपल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल अब पूरे सिग्नल का एवरेज वैल्यू मैंने कितना निकाला है थ्री तो ये आपका हो गया थ्री तो कितना आ गया आंसर दैट इज फोर बाई थ्री रूट टू सो दिस इज द रिपल फैक्टर ऑफ दिस सिग्नल थ्री प्लस फोर साइन ओमेगा टी क्लियर हो गया ठीक है कि जो आपका फोन फैक्टर जो डिफाइंड है वो पूरे सिग्नल पे डिफाइंड है रिपल फैक्टर जो डिफाइंड है दैट इज द रेशियो ऑफ आरवे वैल्यू ऑफ रिपल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल ठीक है अब एक रिलेशन होता है फॉन फैक्टर और रिपल फैक्टर के बीच में ठीक है उसको तो हम लोग ड्राइव नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर टाइम का लिमिटेशन है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ठीक है ये आपका ऑफलाइन क्लासूम प्रोग्राम में बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती है ठीक है तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है फॉन फैक्टर और रिपल फैक्टर के बारे के बीच में ठीक है तो फॉर्न फैक्टर जो आपका होता है फॉन फैक्टर का होल स्क्वायर और माइनस वन इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे ये क्या देगा आपका रिपल फैक्टर ये रिलेशन होता है रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर में ठीक है तो सपोज दैट आप अगर रिपल फैक्टर का फार्मूला अगर आप भूल गए ठीक है आपको कन्फ्यूजन होने लगा तो आप क्या करोगे फॉर्म फैक्टर का आपका फार्मूला पता है तो फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट लोग क्या देगा दैट विल गिव रिपल फैक्टर ठीक है यह रिलेशन आपका होता है अब यहाँ से एक चीज बताइए अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म फैक्टर जो है फॉर्म फैक्टर क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा रिपल फैक्टर क्यों क्योंकि जो आपका फोन फैक्टर वो डिफाइन होता है पूरे सिग्नल पे ठीक है लेकिन रिपल फैक्टर पे डिफाइन होता है रिपल कंपोनेंट पे दैट इज एसी कंपोनेंट पे तो आपको ऑलवेज याद रखना है बात करें कि फोन फैक्टर का आइडियल वैल्यू कितना होगा फॉन फैक्टर का आइडियल वैल्यू कितना होगा अब बताइए आर्मेस वैल्यू दैट इज फॉन फैक्टर कैसे डिफाइंड था दैट इज द रेशियो ऑफ आर्मेस वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल ठीक है तो अब बताइए फॉन फैक्टर का आइडियल वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो इसका आइडियल वैल्यू क्या होगा दैट इज वन आइडियल वैल्यू क्या होगा वन होगा अब बताइए यहाँ पर अगर ये ए सी कम्पोनेंट रिमूव हो जाए सपोज दैट ये ए सी कम्पोनेंट रिमूव हो जाए तो आपके पास में क्या बचेगा केवल डी सी बचेगा और आपका एम ही यही है कि आप ए सी कम्पोनेंट को हटा रहे हो धीरे धीरे मिनिमाइज़ कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर अगर ये सिग्नल डी सी होगा तो डी सी का पूरा सिग्नल का क्या होगा आर्मेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम ही हो जाएगा तो दोनों का जब रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर फॉर्म फैक्टर का आइडियल वैल्यू आपको याद रखना है कितना होता है वन होता है रिपल फैक्टर का जो आपका आइडियल वैल्यू है वो क्या होता है जीरो होता है रिपल फैक्टर का आइडियल वैल्यू क्या होगा जीरो होगा क्लियर हो गया यहां पर ठीक है चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट हम लोग परफॉर्मेंस पैरामीटर लेते हैं तो नेक्स्ट आपका जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है दैट इज क्रेस्ट फैक्टर ठीक है नेक्स्ट जो आपका परफॉर्मेंस पैरामीटर है दैट इज क्रेस्ट फैक्टर एंड क्रेस्ट फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड पीक फैक्टर ठीक है क्रेस्ट फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड पीक फैक्टर ठीक है तो ये किस तरह से डिफाइंड है अगर मैं इसको डिफाइन करूँ क्रेश फैक्टर को तो दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द आर्मी वैल्यू ऑफ सिग्नल तो ये भी पूरे सिग्नल पे डिफाइंड होता है ठीक है तो क्रेश फैक्टर के बारे में बात करें तो क्रेश फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल रेशियो ऑफ पिक वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द आरमेस वैल्यू ऑफ सिग्नल पिक वैल्यू ऑफ सिग्नल टू दर वैल्यू ऑफ सिग्नल इट इज द रेशियो ऑफ पिक वैल्यू ऑफ सिग्नल टू द आर एस वैल्यू ऑफ सिग्नल अब बताइए इस सिग्नल का जो आपने लिया है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल थ्री प्लस फोर साइन ओ टी इसका पीक फैक्टर और क्रेश फैक्टर क्या होगा ठीक है इट इज द रेशियो ऑफ पिक वैल्यू ऑफ सिग्नल अब सिग्नल का पीक वैल्यू कितना होगा बताइए ठीक है अगर आप थ्री प्लस फोर साइन ओमेगा टी का पीक वैल्यू के बारे में बात करो तो इसका पीक वैल्यू क्या कितना होगा जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा और साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है दैट इज प्लस वन क्योंकि आपको पता होगा कि ये साइन ओमेगा टी ये लाइक करता माइनस वन और प्लस वन के बीच में ठीक है ये इसका क्या होता है रेंज होता है ठीक है तो अब एक चीज बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा दैट इज प्लस वन हो जाएगा सो क्रेस फैक्टर इक्वल टू क्या होगा आउटपुट सिग्नल का पीक वैल्यू बाई आउटपुट सिग्नल का आर एम एस वैल्यू इसका रेशियो होगा ठीक है अपीक वैल्यू ऑफ सिग्नल कितना होगा आउटपुट सिग्नल दैट इज थ्री और प्लस फोर और इंटू वन और डिवाइड बाई आर एम वैल्यू कितना कैलकुलेट कर चुके हैं अंडर रूट ऑफ सेवनटीन तो कितना आ गया थ्री प्लस फोर दैट इज सेवन अपॉन अंडर रूट ऑफ सेवनटीन ये आपका हो गया दैट इज क्रेस्ट फैक्टर ठीक है अब एक चीज बताइए क्रेस्ट फैक्टर का भी आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए ठीक है क्रेस्ट फैक्टर का अगर आइडियल वैल्यू बोलें तो देखो आइडियल वैल्यू में आपको क्या करना है एसी कंपोनेंट को हटा देना तो एसी कंपोनेंट अगर हट जाएगा तो केवल डीसी बचेगा और डीसी का पीक वैल्यू आर्मी वैल्यू सारे क्या होंगे सेम होंगे तो अगर मैं बात करूं कि क्रेस्ट फैक्टर का आइडियल वैल्यू कितना होगा तो आइडियली क्रेस्ट फैक्टर शुड बी इक्वल टू वन होना चाहिए क्योंकि अगर आप एसी को रिमूव कर दोगे तो केवल डीसी बचेगा और डीसी का आर्मेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों क्या होगा सेम होगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे तो फाइनली कितना आएगा दैट इज वन आएगा ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है फॉर्म फैक्टर रिपल फैक्टर एंड क्रेडिट फैक्टर ठीक है फॉर्म फैक्टर का आइडियल वैल्यू कितना था वन रिपल फैक्टर का आइडियल वैल्यू कितना था जीरो और क्रेडिट फैक्टर का आइडियल वैल्यू कितना है वन है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा सब्सिक्वेंट हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है दैट इज ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी बाइंडिंग है वो कितना यूटिलाइज हो रहा है फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल ठीक है दैट इज ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इट रिप्रेजेंट इट रिप्रजेंट हाउ मच हाउ मच इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर हाउ मच इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर फोर द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल कि कितना उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है दैट इज ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ

सेकेंडरी बाइंडिंग के एक द वोल्टेज है और आई एस आर एम एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है द आर्म एस करेंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द वोल्टेज एक सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन आर एम एस वैल्यू ठीक है आया समझ में सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर तो अब एक चीज बताइए ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए आप तो आइडियली ये चाहोगे ना कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर हो ठीक है सो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का अगर मैं आइडियल वैल्यू की बात करूं तो इसका जो आप आइडियली ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए वन होना चाहिए हंड्रेड यूटिलाइजेशन होना चाहिए ठीक है आया समझ में सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका परफॉर्मेंस पैरामीटर है दैट इज इज वोल्टेज रेगुलेशन ठीक है तो ये आपका क्या होगा दिस द फोर्थ वन एंड अभी जो अभी आएगा दैट इज फिफ्थ जो फिफ्थ परफॉर्मेंस पैरामीटर है वोल्टेज रेगुलेशन रेगुलेशन अंडर नो लोड कंडीशन माइनस आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडीशन बाई आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड कंडीशन रेगुलेशन को अगर डिफाइन करोगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन लेंगे तो क्या करोगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर ये आएगा परसेंटेज रेगुलेशन ठीक है अब एक चीज बताइए यहाँ पर नो लोड तो नो no लोड का मतलब ये समझो प्रैक्टिकली कि लोड क्या है डिसकनेक्टेड है ठीक है नो लोड का मतलब क्या हो गया कि लोड डिसकनेक्टेड लोड क्या है डिसकनेक्टेड और लोड डिसकनेक्टेड का मतलब क्या हो गया दैट इज़ ओपन सर्किट लोड डिसकनेक्टेड मतलब क्या हो गया ओपन सर्किट ठीक है और फुल लोड का मतलब क्या हो गया फुल लोड का मतलब हो गया प्रैक्टिकली कि लोड क्या है कनेक्टेड है लोड कनेक्टेड लोड क्या है कनेक्टेड है ठीक है तो ये यहाँ पर क्या है आपका देसी लोड लोड क्या है कनेक्टेड है ठीक है तो ये होता है नो लोड और ये क्या होता है दैट इज़ फुल लोड होता है ठीक है तो यहाँ से हम लोग आप देखेंगे कि रेक्टिफायर में हम लोग किस तरह से वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आपका बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल गया कि हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं दैट इज आउटपुट वोल्टेज अंडर नो लोड माइनस आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड बाई फुल लोड इंटू हंड्रेड ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज अब एक चीज़ और बताइए इससे पहले क्या वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है अगर हम लोग फुल लोड से नो no लोड या नो no लोड से फुल लोड में हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन आइडियली नहीं होना चाहिए सो वोल्टेज रेगुलेशन का आइडियल वैल्यू अगर हम लोग बोलें आइडियली आइडियली क्या होना चाहिए इसका वैल्यू दैट इज़ जीरो होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होना चाहिए ठीक है वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये कब आएगा जब आपका आउटपुट वोल्टेज अंडर नो लोड और आउटपुट वोल्टेज अंडर फुल लोड में ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है ठीक है दोनों ऑलमोस्ट क्या है इक्वल है ऑलमोस्ट क्या है इक्वल है ठीक है तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर, कर, कर लोगे दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं जाते दैट इज सिक्स पैरामीटर जो आपका है दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज ठीक है जो जो सिक्स पैरामीटर है दैट इज पी आई वी पिक इनवर्स वोल्टेज सो इट इज इट इज डिफाइंड एज वोल्टेज Querem across डायोड, है, तो उस डायोड के एक रोस वोल्टेज ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं ठीक है पर आप देखो यहां पर जो भी डायोड हम लोग यूज कर रहे हैं नॉर्मल डायोड यूज कर रहे हैं ठीक है और नॉर्मल डायोड इज पर्टिकुलरली डिजाइन टू तो ऑपरेट अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन उसका टेंडे टेंडेंसी ही नहीं है कि वो रिवर्स बाइस में वर्क करे लेकिन अगर बाई फोर्सली अगर उसको रिवर्स बाइस होना पड़ा ठीक है तो उसके एक रॉस जो मैक्सिमम पीक इन्वर्स वोल्टेज होगा रिवर्स बाइस कितना मैक्सिमम वोल्टेज होगा दैट इज डिफाइंड एज पीक इन्वर्स वोल्टेज तो अब एक चीज़ बताइए पीक इन्वर्स वोल्टेज का आइडियल वैल्यू कितना होगा ठीक है अगर मैं डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ठीक है यू आर अ डिवाइस डिजाइनर तो आ, फ्रॉम डि डिवाइस डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका पी आई वी का जो आइडियल वैल्यू होना चाहिए प्रैक्टिकल वैल्यू तो क्या होना चाहिए एज मिनिमम एज पॉसिबल और आइडियल वैल्यू इसका क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ठीक है सो पी आई वी शूड भी प्रैक्टिकली एज लो एज पॉसिबल एंड आइडियली इट्स शुड भी जीरो ठीक है प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली पी आई बी शूड भी शूड बी एज लो एज पॉसिबल एज लो एज पॉसिबल जितना कम से कम हो सके फ्रॉम डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू नोट कर ले ठीक है फ्रॉम डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो ये तो आपका हो गया पी और लास्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ रेक्टिफाइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज़ इफ़िशियंसी उसको हम लोग क्या बोलते हैं इफ़िशियंसी अब देखिए इसमें क्या है कि पी को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं यहाँ पर इतना टाइम नहीं है ठीक है कि हम लोग पी को कैसे हम लोग यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें तो चीज़े, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है ठीक है तो चलो अभी जितना काम का था उसको मैंने बता दिया ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो नेक्स्ट जो आपका फाइनल स्ट्रेंथ जो पैरामीटर है दैट इज इफिशियंसी इफिशियंसी ठीक है तो अगर मैं रेक्टिफाइड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ कि इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफाइड किस तरह से डिफाइंड है तो जो आपका उसका आउटपुट सिग्नल है दैट इज अ पल्सेटिंग डीसी सिग्नल ठीक है पलसेटिंग डीसी सिग्नल है तो वहां पर अगर इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफाइड की बात करें सो इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर इन टू हंड्रेड ठीक है तो अगर हम लोग डिफाइन करें करेंसी को फोर रेक्टिफायर के लिए तो रेक्टिफाइड का जो आपका इफिशियंसी होगा रेक्टिफाइड का इफिशियंसी जो होगा दैट विल रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर बाई इनपुट ए सी पावर और इनटू हंड्रेड ये परसेंटेज इफिशियंसी आपका निकल जाएगा ठीक है कि जो आपने इनपुट में एक बाई डायरेक्शनल या ए सिग्नल दिया उसका कितना परसेंट पार्ट डीसी में कन्वर्ट हुआ वो रिप्रेजेंट करता है रेक्टिफायर का इफिशियंसी दैट इज हाउ मच इज द ए सी पावर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू डी सी पावर ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टिफाइड का इफिशियंसी ठीक है तो ये थे सारे परफॉर्मेंस पारामीटर ऑफ रेक्टिफायर उसमें हम लोग बहुत कोशिश किया मैंने कि आपको समझाने का की बहुत कोशिश की अगर आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ठीक है तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ी हो रही है तो इस लेक्चर को आप यहीं पर कंक्लूड करते हैं अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर थ्री में हाफ़ वेव, वेव रेक्टिफायर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर उसका वर्किंग ऑपरेशन क्या होता है ठीक है उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर साथ में उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट